केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति की पहल को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शुरू किए गए नए कोर्स के बारे में कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत 7 नए कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही व्यक्तित्व विकास के लिए 9 नए वैकल्पिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। हमारे यहाँ जो था एक सांस्कृतिक दुर्भाव हो गया था और उसकी क्षति को पूरा करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, जिसमें कि हमारे लिए संभावनाएं आ पा रहे हैं। तो हम लोग ने करीब 7 कोर्सेज मल्टीडिसिप्लिनरी तैयार किए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज होने चाहिए और उसमें जो बाणभट्ट की 64 कलाएँ हैं कादम्बरी के तहत, वो 64 कलाओं में अधिकाधिक कलाएँ आज के युवा को आनी चाहिए, जिसमें कि वो स्किल्ड भी हैं, हुनरमंद भी हों, शिक्षित भी हों और उनका व्यक्तित्व भी अच्छा हो और उनका कैरेक्टर भी अच्छा हो। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 10 कोर्सेज बनाए थे, मगर इस साल 10 कोर्सेज नहीं हम लोग रोल आउट कर पा रहे हैं। हम लोग 6 कोर्सेज इस साल रोल आउट कर रहे हैं, जिसमें कि एक मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट का 5-ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, एक डाटा साइंस और MCA का कोर्स है, एक फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेज का कोर्स है जिसमें कि बहुत सारे स्किल्स हैं, और एक लॉ का कोर्स है 5-ईयर इंटीग्रेटेड, और एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कोर्स है। तो इतने कोर्सेज डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल साइंसेज मिला के एक कोर्स है, जो कि एक इंटीग्रेटेड कोर्स है। उसके साथ साथ हर बच्चे को 4 इलेक्टिव्स करने पड़ेंगे और इस कोर्स में 2 एजुकेशनल टूर्स भी कंपल्सरीली होंगे और ये सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स होंगे। तो 5-5 साल के ये कोर्सेज हैं। एडमिशन का क्या कितने क्राइटेरिया रखा गया, और क्योंकि पीएम का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है तो इसको कैसे और मोटिवेट करेंगे और एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो, सबसे बड़ी चुनौती वो रहती है कि नए कोर्सेज करके। देखिए, जब आपका व्यक्तित्व का निखार हो जाता है और आपको बहुत सी चीज़ें आने लगती हैं, तो स्वयं ही आपका व्यक्तित्व ही आपका रिकमेंडेशन लेटर होता है। वैसे हमारे यहाँ प्लेसमेंट सेल्स हैं, जब बच्चों को भाषाएँ आएंगी, NCC कैडेट वो बनेंगे और तमाम तरह की और चीज़ें वो सीखेंगे, तो वो ज़्यादा ग्लोबल सिटीजन्स बन जाएंगे, क्योंकि आज के समय में उनको कम्पीट करना है पूरे ग्लोब से, तो कम से कम उनको 3 भाषाएं आनी चाहिए, जिसके लिए हम लोग ने लैंग्वेज लैब्स बना दी हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, और वो जो भी भाषा सीखना चाहते हैं 2 या 3 भाषाएं वो सीख सकते हैं। तो उनके पास कलाएँ बहुत सारी होंगी, तो उनको निश्चित ही अच्छे प्लेसमेंट्स मिलेंगे। गुरुवार को मीडिया से रूबरू होते हुए कुलपति ने कहा कि नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए शैक्षणिक सत्र 2023-24 में विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति के अनुसार जो पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है, उनमें पहला सेंटर ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के अंतर्गत डाटा साइंस में 5-वर्षीय एकीकृत BCA और MCA, व्यवहार और संज्ञानात्मक विज्ञान केंद्र के अंतर्गत संज्ञानात्मक विज्ञान में MSc, परिवार एवं सामुदायिक विज्ञान में 5-वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम, प्रमुख क्षेत्र कपड़ा और परिधान, खाद्य और पोषण तथा मानव विकास तथा परिवार एवं सामुदायिक विज्ञान विभाग के अंतर्गत मानव विकास में BSc और MSc, भूगोल विभाग और पर्यावरण विज्ञान केंद्र के अंतर्गत आपदा प्रबंधन और पर्यावरण अध्ययन में 5-वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम, BALLB 5-वर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स, 5-वर्षीय MBAC UET के माध्यम से प्रवेश और दक्षता पाठ्यक्रम, व्यक्तित्व विकास वैकल्पिक पाठ्यक्रम शामिल है। एक लैब है जिसमें कंप्यूटर से भाषा को शुद्ध करने के लिए सिखाया जा रहा है, जिसमें कि उच्चारण अच्छा हो, जैसे उर्दू की भाषा में ज का उच्चारण है, हिंदी की भाषा और संस्कृत में हमारे उच्चारण शुद्ध होने चाहिए और अंग्रेजी में उच्चारण अलग हैं, तो किसी भी भाषा का उच्चारण खराब ना हो, इसके लिए हम लोग ने 2 लैंग्वेज लैब्स बना दी हैं, और वो लैंग्वेज लैब्स में एक लैब में 3-3 भाषाएं सिखाई जाएंगी, जिसको कि कंप्यूटर से सिखाया जाएगा। कुलपति ने व्यक्तित्व विकास के लिए 9 नए वैकल्पिक पाठ्यक्रम के बारे में बताया कि संगीत में तबला, सितार और गायन, खेल बास्केटबॉल, टेनिस, हॉकी और क्रिकेट, NCC नौसेना और सेना, संविधान के तत्व, मानसिक स्वास्थ्य, वित्तीय बाजार, मूलभूत समझ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अन्वेषण, फिल्म और थिएटर, मूलभूत तकनीकी और चिकित्सीय पोषण एवं योग है। यूरोपीय भाषाएं फ्रेंच, रूसी और जर्मन है, जिसमें विद्यार्थी क्षमता 40 है। प्राच्य भाषाएं उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी है, इसमें भी विद्यार्थी क्षमता 40 है। इसके लिए 2 नए लैंग्वेज लैब खोले गए हैं।
उन्होंने बताया कि नवीन पाठ्यक्रम नवीन शुल्क रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम पर केंद्रित विद्यार्थी आदान प्रदान कार्यक्रम संवर्धन एक्सपोजर फील्ड दौरा शैक्षिकी भ्रमण का आयोजन समूह चर्चा का आयोजन सेमिनार का आयोजन विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास आदि के लिए प्रदर्शन का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि अगस्त माह से सत्र प्रारंभ किया जाएगा। लगभग 300 शिक्षकों ने विश्वविद्यालय ज्वाइन कर लिया है और 27 विभागों में हमने नियुक्तियां करी हैं और अभी भी ये प्रक्रिया सतत जारी है। कुछ विभाग अभी बाकी हैं, उनका भी अभी एक साल के अंदर नियुक्तियां उनमें भी हो जाएंगी, तो लगभग 400 नए शिक्षक आ जाएंगे अगले साल तक। अभी 300 आए हैं और नॉन टीचिंग में गैर शैक्षणिक में भी 40 साल के बाद हमने नियुक्तियां करी हैं, तो 350 नियुक्तियां हम कर चुके और 100 नियुक्तियां लगभग अभी और हो जाएंगी। देश के अलग अलग राज्यों से भी और देश के 25 अलग राज्यों से शिक्षक आए हैं और 15 अलग देशों से भारत के नागरिक वापस लौटे हैं, जिसको कि हम कहते हैं रिवर्स माइग्रेशन हुआ है। टोक्यो से, हार्वर्ड से, थाईलैंड से, सिंगापुर से, अरेबिया से, जर्मनी से, बर्लिन से, अमेरिका से, इन सब जगहों से बच्चे पोस्ट डॉक करके उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में शिक्षा का कार्यभार ग्रहण किया है। वो सब आ गए हैं और हमें लगता है साइंस फैकल्टी में भी और आर्ट्स में भी मैंने देखा कि स्टूडेंट्स की भीड़ काफ़ी है और यूनिवर्सिटी का माहौल बदल गया है। इस कवायद के बाद भी अभी करीब कितने पद खाली हैं और किस तरह की प्रक्रिया आगे चलेगी? अभी लगभग 150 पद खाली हैं, लेकिन 150 में 100 ही हमको मिल पाएंगे शिक्षक। एसोसिएट और प्रोफेसर के पदों पर लोग जनरली मिलते नहीं हैं और लेक्चरर के पद पे ज़रूर हमको लोग मिल जाएंगे, ऐसा मेरी आशा है। जितना मैंने देखा और समझा तो उसमें हमें करीब 100 टीचर्स जरूर मिल जाएंगे। विश्वविद्यालय की रैंकिंग भी सुधरे।